खेती के काम को छोड़ के किसी फील्ड में जाएगा नहीं। तो जब ऐसा महसूस होता है तो मैं हर बार उसके सामने आता था और वो पूछता था कि आपका नाम क्या है। अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत उठता था उस बोलने की दिक्कत की वजह से कि मैंने अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस बोलने की दिक्कत की वजह से ना मेरे जीवन में और कोई दर्द था ही नहीं, सिर्फ दर्द एक ही था कि मेरे को बोलने में मैं अटकता हूं। तो जैसे तैसे करके जमीन अच्छी थी, खेत बिल्कुल मेन रोड पे हमारा है हाईवे के ऊपर, तो उसकी वजह से रिश्ता हुआ, शादी तय हो गई, शादी भी हो गई। और शादी से पहले मेरा मानना ये था कि शादी हो जाएगी तो शायद जीवन चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हुआ भी। उस टाइम पे कई बातें अलग महसूस होती थी। अब जैसे शादी हुई, शादी के बाद आपका खेत है तो जाओगे खेत में, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में, दुकान है तो दुकान पे, स्कूल है तो स्कूल में, मतलब जो भी आपका कारोबार है आप अपनी वाइफ को लेकर के वहीं तो जाएंगे। तो जब मैं मेरी वाइफ को खेत में लेके गया तो मेरी वाइफ ने साफ साफ बोल दिया कि मैंने जिंदगी में कभी भी खेत का काम नहीं किया और मैं खेत का काम करूंगी भी नहीं। अब आपका खेती का काम है, एजुकेशन दोनों की सेम है, और आपकी वाइफ ये बोले कि मैं काम करूंगी नहीं और उसी के साथ आपको जीवन बिताना हो, तो कैसा फील हो? तो काफी चैलेंज रहा काफी टाइम तक। दोनों हस्बैंड वाइफ के हमारे झगड़े होते रहे, मैं उनको काम के लिए बोलता वो काम नहीं करती। जैसे घर में भैंस थी, चार पांच भैंस थी, तो भैंसों में आपको मालूम है ज्यादातर लोग गांव से हैं तो काम बहुत होता है, गोबर गेरने का काम है, दूध निकालने का काम है, भैंसों को घास फूस डालने का काम है, तो वो हमेशा ना बोलती थी उस काम से और मेरे को बिल्कुल इरिटेशन हो चुकी थी उनसे। क्योंकि कोई भी लेडीज या जेंट्स कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू उसका काम होता है, उसका वर्क होता है। तो दोस्तों ये काफी टाइम तक स्ट्रेस रहा। फिर जैसा कि एक दिन मैं खेत में था तो एक चमचमाती हुई कार रुकी व्हाइट रंग की, उसने सेम हमारा वेस्टिज का ड्रेस कोड डाल रखा था, सेम ड्रेस पहन रखी थी। उसमें से एक बहुत बेहतरीन इंसान उतरे और खेत में आए और ये कहा कि जी आपके खेत में पानी है? तो मैंने उनको कहा जी बिल्कुल पानी है, बहुत अच्छा है। मैंने पानी दिया उनको और पानी पीने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर आपने इतनी बेहतरीन ड्रेस गर्मी के टाइम पे भी पैंट कोट डाल रखा है आपने, क्या कोई काम ऐसा बता सकते हो आप? मैं मेहनती बहुत हूं पर बोलने का ना। तो वो कार के पास में गए, कार को खोला और पीछे से एक बोतल लेके आए एग्री 82 की। उन्होंने कहा कि आप इसको खेत में डालिए एक बार, अगर आपको खेत में डालने से फायदा हो तो एक बोतल को सेल करने से आपको कम 50 रुपए आएंगे। और धान के टाइम की बात है वो। मैंने उसको खेत में इस्तेमाल किया, जैसे ही मैंने उसको इस्तेमाल किया उसके 5-7 दिन के बाद रिजल्ट महसूस हुए कुछ खेत में, मेरे को दिखा कि पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो जब इम्प्रूवमेंट महसूस हुई तो मैंने चौहान साहब का फोन नंबर ढूंढना चालू किया। हमारे खेत में कोठड़ा होता था, मैंने एक मतलब पत्थर से चौहान साहब का जो फोन नंबर था वो कोठड़े के ऊपर गोद दिया था ईंटों के ऊपर। अब वो बरसात की वजह से उसमें से 2 नंबर साफ हो चुके थे। मैं खेत में जाके मैंने ढूंढा तो 2 नंबर मैंने कितनी बार चौहान साहब के पास फोन किया होगा, 8-10 बार फोन करने के बाद चौहान साहब से बात हुई। चौहान साहब को मैंने इनवाइट किया फिर जींद के लिए, गांव के लिए। वो गांव में आए, आके बताया कि ये बिजनेस क्या है, क्या दे सकता है। और कहीं ना कहीं मैं ये भूल गया बात कि मेरे को बोलने में दिक्कत है, मेरे को महसूस हुआ ये तो मैं सेल कर दूंगा। और मैंने एग्री पे पहले महीने मतलब 25 अक्टूबर की वो बात है 2008 की, 25 अक्टूबर को मैंने 4,000 रुपए का सामान पहली बार खरीदा। 4,000 के बाद कुछ 1,000 के आसपास का मैंने फिर से खरीदा, तो मेरा जो पहला पे आउट था वो 188 रुपए का था।
पहली बार जिंदगी में चेक आया था, आज भी वो चेक मैंने यूं का यूं रखा हुआ है कि ये मेरा पहला पे आउट है, पहली स्टेटमेंट है, उसको मैं बैंक में डाल के नहीं आया। और मेरा कुछ ड्रीम है उसके रिगार्डिंग भी, वो मैं ट्रेनिंग में कई बार रखता भी हूँ। तो यहाँ पे पहला पे आउट था जब मैंने एक एक विचार किया कि 4,000 की सेल पे जब 188 आ सकते हैं तो 8,000 की सेल पे डबल भी हो जाएगा, 80,000 की सेल पे ये पे आउट 10 गुना हो जाएगा। और चौहान साहब ने एक बात डाल दी थी कि आपके जितने रिश्तेदार है सबका खेती का ही तो काम है, अगर सारे लोग अपने अपने खेत में डाल देंगे तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है हमारा। और मैंने रात को डायरी पेन उठाया और मैंने 100 ऐसे रिश्तेदारों के नाम लिख दिए जिनके पास 10 एकड़ जमीन थी, यानी मैंने रात को 1,000 बोतल एग्री 82 की बेच दी। उस टाइम पे जब हम डायरेक्टर होते थे तो 600 कुछ बोतल हमें बेचनी होती थी, मैंने 1,000 बेच दी। और दोस्तों मैंने दूसरे महीने में 2,26,000 रुपए की सेल की, मैंने पूरी टीम से, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद ही जाके सबको बेच दिया। जिसके पास भी मैं जाऊं एग्री का डेमो उसके सामने, 2 गिलास में कांच के रखता था, 1 गत्ते का टुकड़ा रखता था, पाउडर रखता था, पानी डाल के एग्री बीएससी 1 में डाल दी, पहले पाउडर में डालता और उसको बताता कि हमारे खेत में खाद के ऐसे रिजल्ट आते और ये आपका वैसे खाद है जिसमें एग्री बीएससी नहीं है तो इसके रिजल्ट ऐसे आते। हमारी जो एग्री 82 है वो उसकी वजह से आपका खाद जो है 90-95% इस्तेमाल हो जाएगा आपके खेत में। तो जब मैंने उनको ये बातें बताई, डेमो दिखाया, तो एक मंथ में मेरी जबरदस्त सेल हुई और मेरा पहला जो पे आउट था उस टाइम पे 23,000 कुछ रुपए का, तो मैं बहुत खुश था। और फिर एक बार जींद में ट्रेनिंग हुई, सिद्धार्थ जी आए हुए थे ट्रेनिंग रखने के लिए, मैं तो ये मान रहा था कि लोग बहुत आएंगे, पर पहली ट्रेनिंग थी उनकी और ट्रेनिंग में लोग आए 5 और मैं सबसे आगे था। और जब ट्रेनिंग खत्म हुई मेरे को छोड़ के कोई नहीं रहा था वहां पे, कोई नहीं रहा ट्रेनिंग में। तो वहां से भी मैं ये मान रहा था कि शायद ये बिजनेस इतना अच्छा नहीं है उस कल्चर को देख के, कि इसमें भी मैं तो मान रहा था इतने लोग होंगे। तो वहां एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा डिमोटिवेट सा भी हुआ उस दिन कि यार मैंने इतनी बेच दी, लोग कोई नहीं है यहाँ पे तो कैसे रहेगा। तो फिर मैंने चौहान साहब से कहा कि सर आप कितने टाइम से हैं इसमें। चौहान साहब ने बताया हमने अभी अभी स्टार्ट किया है इसको। तो फिर माइंड ने कहा कि कोई बात नहीं हम काम करेंगे और मैंने काम करना स्टार्ट किया। तीसरे महीने मैंने एक व्यक्ति को और ज्वाइन किया वेस्टीज में जिसने कम से कम सेल कर दी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की सेल करने के बाद मैंने भी साइड में अपनी जो सेल थी, मेरी अपनी सेल भी 2 लाख रुपए से ज्यादा की थी और मेरा तीसरे महीने का पे आउट आया 49,000 रुपए। मेरे को रात को नींद नहीं आई कि अगर ये 4-5 गांव में ये काम हो सकता है तो अगर मैं इसको पूरे हरियाणा में करना चालू कर दूं तो क्या हो जाएगा। और खोपड़ी घूम गई, मैं जब भी चौहान साहब के पास फोन करता बात पे छोड़ता ही नहीं, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे, सर मैं इसको फतेहाबाद में कर दूंगा, सिरसा में कर दूंगा, पूरे हरियाणा में, अगर मैं बाहर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं पूछता था उनसे टर्नओवर के ऊपर क्या इनकम हो जाएगी। तो चौहान साहब ने साफ साफ ये बताया कि आपको इसमें अकेले आपको काम नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने चौहान साहब को कहा सर आप मेरे को करने दो अपने हिसाब से, और मैं ये चाहता था मैं ही बेचूं पूरे हरियाणा में इसको, क्योंकि मैंने पहले इस टाइप का कोई एमएलएम में तो कोई काम किया नहीं था, टीम वर्क का मालूम ही नहीं था। और तीसरे महीने क्या हुआ, एग्री की सेल नहीं होती, हेल्थ पे मैंने कुछ काम किया नहीं था, डेली यूज में चाय आती थी, उस टाइम पे चाय हरियाणा में इतने लोग पीते ही नहीं थे। तो मैंने चौहान साहब को कहा सर हमारे हरियाणा में चाय कोई नहीं पीता तो ये सेल यहाँ नहीं होगी, कैल्शियम यहाँ पे कोई नहीं खाता, कैल्शियम यहाँ सेल नहीं होगी, तो मैं क्या बेच के मेरे को पैसा चाहिए। अब उस टाइम पे मैं सोच रहा था
कि यार पहले महीने 188 रुपए, दूसरे महीने 23,000, तीसरे महीने 49,000 और चौथे महीने पे आउट सेल नहीं, तो पे आउट नहीं है, ये तो मालूम हो चुका था। तो पे आउट नहीं है तो करेंगे क्या? तो मैंने चौहान साहब को कहा सर रास्ता बताइए। तो विकास रहेजा जी आए हरियाणा में ASM पहले, उन्होंने बताया जी आपका ये अपना विश्वास है इसको तोड़िए, लोग कैल्शियम भी खाएंगे चाय भी पियेंगे। और मैंने विकास जी की बात को मान के फिर स्टार्ट किया और मेरा चौथे महीने का जो पे आउट था फ्रेंड्स वो था 21,000 रुपए का। मेरा पांचवें महीने का पे आउट था 9,100 रुपए का, क्योंकि वो बीच बीच में वो बात भी आती थी ना कि कैल्शियम यहाँ सेल नहीं हो सकता। छठे महीने का पे आउट था 6,100 रुपए का, सातवें महीने का पे आउट था 7,200 रुपए का। और मैं बार बार उस 49,000 के पे आउट को ही देख रहा था और मैंने विकास जी से बात की सर मेरे को 50,000 रुपए हर महीने चाहिए, जो कहोगे मैं बेच दूंगा, मेरे को ट्रेनिंग दे दो आप। विकास जी ने ट्रेनिंग दी, DS चौहान जी ने ट्रेनिंग दी, सर डॉक्टर हरीश रहेजा मेरे जो LOS है इतने गजब के इंसान है, इतने बेहतरीन इंसान है, चाहे वो व्यवहार से हो, एजुकेशन से हो, माइंड सेट से हो, एज के हिसाब से भी एक्सपीरियंस बहुत है उनको। तो उनकी बातों को मान के मैंने काम करना स्टार्ट किया और 6 महीने में मेरी टीम में 2,500 से 3,000 लोग ज्वाइन हो गए। और वहां पे एक दूसरा चैलेंज स्टार्ट हुआ। दूसरा जो चैलेंज था फ्रेंड्स वो क्या था? वो था ट्रेनिंग का। मैं अपलाइन की ही ट्रेनिंग हमेशा रखवाता था, मेरे को ये विश्वास ही नहीं था कि मैं भी स्टेज पे आके ट्रेनिंग दे सकता हूं। और मैं जहां भी जाता टीम बोलती जी ट्रेनिंग रखो, मैं बोलता एक एक व्यक्ति को आके बताऊंगा मैं, और एक ही शहर में एक ही टीम के 10-10, 15-15 लोगों तक मैं जाता था मैन टू मैन। रात का 1 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक एक व्यक्ति को ही बताऊंगा। एक बार क्या हुआ आज भी याद है, सोनीपत के पास एक गांव है जहां पे एक व्यक्ति थे, उसने कहा जी हमारे गांव में 4 लोग हैं जिनके पास जमीन 80 और 100 एकड़ के आसपास है, उनको एग्री 82 के विषय में बताना है। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे 300 लोग उसने इकट्ठे किए हुए थे, मंदिर में बोपू में बोल दिया और 300-400 लोग इकट्ठे हो गए। जब मैं वहां पे पहुंचा, बाइक होती थी उस टाइम पे प्लेटिना, तो मैं पहुंचा तो 300 लोग वेट में है, तो मैं ये सोच रहा था कोई और फंक्शन है यहाँ पे तो। पर जब मैं जैसे वहां पे पहुंचा तो वहां तो बात ही कुछ और थी कि ढांडा साहब आ गए, ढांडा साहब आ गए। अब उस टाइम पे मैं अपने नाम के आगे ढांडा भी नहीं लगाता था, अकेला सुभाषी में बोलता था। ढांडा तो 3-4 साल के बाद हुआ, पहले तो था ही नहीं। जी सर जी। तो जैसे जैसे वो कहा जी ये लोग आपके लिए, मैंने उसको कहा यार पागल तो नहीं हो आप, मैंने आपको कहा था मैं 4 लोगों से ज्यादा को नहीं बताऊंगा, यार आपको मालूम है मेरे को बोलने में दिक्कत है, आप बोल रहे हो स्टेज पे जाओ जी इतने लोग इकट्ठे हो गए, और दोस्तों कोई कोई हल ही नहीं था, 300 लोगों के सामने मेरे को खड़ा किया उन्होंने और मैंने उनको बोलना स्टार्ट किया। जिस भी चीज पे मैं अटकूं फिर से पूछे सर ये पहले क्या बताया था आपने, और मेरे को मालूम था वो चीज नहीं पूछ रहे थे, वो ये देख रहे थे ये फिर से अटकेगा और फिर से हम हंसेंगे। उस दिन मैं वहां से मीटिंग करने के बाद सेल जबरदस्त हुई, 48,000 रुपए की सेल हुई, और मैं मेरे को खुश होना चाहिए था पर मैं दुखी बहुत था। बाइक पे चलने के बाद सोनीपत से मैं अपने गांव तक रोता रहा उस दिन। और मैंने आते चौहान साहब के पास फोन किया सर मैं वेस्टीज को छोड़ रहा हूँ। चौहान साहब ने कहा यार अभी इतना अच्छा पे आउट है, इतनी अच्छी टीम हो गई है। मैंने कहा सर टीम तो हो गई है पर ये बिजनेस तो बोलने का है, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मेहनत का काम कोई हो पर बोलने का काम ना हो। तो चौहान साहब ने देखा कि ये स्ट्रेस में है, फोन काट दिया। फिर मैंने डॉक्टर रेजा के पास फोन किया, डॉक्टर रेजा ने काफी बातें की, बहुत अच्छे से बातें की, पर मैंने उनको भी इतना नेगेटिव बातें करना मैंने चालू कर दिया कि सर आप बोल रहे हो जिस आदमी के पैर नहीं है उसको दौड़ने के लिए, ये तो काम तो ट्रेनिंग का है और मैं ट्रेनिंग में कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं भाई, फोकस करो ड्रीम के ऊपर। और फिर मैंने सिद्धार्थ जी के पास फोन किया क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था उनको, अगर कभी भी जीवन में छोड़ने की बात आई तो आपको मैं जरूर बताऊंगा एक बार। और मैंने उनके पास फोन किया, मैंने कहा
गुरुदेव मैं वेस्टी छोड़ रहा हूँ। तो एक ही बात, भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैंने कहा जी दिक्कत ये है, ये काम बोलने का और मेरे से बोलने का काम नहीं हो सकता। तो जैसे मैं उनको बोल रहा था, वो बोल रहे थे तू हरियाणा का शेर है, तू टाइगर है, तू ये है, तू ये कर देगा यार, मैंने मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने कहा सर ना तो मैं शेर हूं ना मैं टाइगर हूं, मेरे को मालूम है, फैक्ट है, मेरे को बोलने में दिक्कत है। तो सिद्धार्थ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है पैसे आए। मैंने कहा जी पैसे तो चाहता हूं मैं, तो एक हिसार में ट्रेनिंग रखवा लो, पूरी टीम आपकी हिसार में आ जाएगी। तो जैसे उन्होंने कहा दोस्तों, मैंने एक ट्रेनिंग रखवाई हिसार में और एक वादा हुआ वहां पे कि 200 लोग रहेंगे, और जैसा वादा था मैं 7 दिन पहले पहुंचा, 380 टिकटें हमने वहां पे बेच दी और ट्रेनिंग का टाइम आया, ट्रेनिंग रखी सेम डेट में जो ट्रेनिंग रखी, जो भी डेट थी, और उसी दिन सेम डेट में मॉर्निंग में जाटों की हड़ताल हो गई, सारे रास्ते बंद कर दिए, रोड रोड पे पेड़ ही पेड़ काट के डाल दिए। सिद्धार्थ जी एक दिन पहले आ चुके थे हिसार में, वो आए हॉल के अंदर तो काउंटिंग में कर रहा हूं, 150 हो गई, फिर 200 हो गई, 200 के बाद में फिर से 195 लोग हुए, 200 नहीं हो पाए। अब 200 नहीं हो पाए तो गुरुजी ने कहा भी यहाँ भी काउंटिंग देख। मैंने कहा जी 195 है, 200 कहा था आपने गुरुदेव, 195 है, और ये लो सर 380 टिकटें सेल हुई थी, ये पैसे लो आप देख लो, ये ना हुई हो तो, कि मैं वैसे बोल नहीं रहा। उन्होंने साहब कहा भी कमिटमेंट कमिटमेंट होता है, आपने 200 का कहा था, अगर अब छोड़ना है तो छोड़ दो आप, या फिर आपने जो वादा किया था अगर 200 ना हुए तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, आप स्टेज पे जाओ और आज आज की ट्रेनिंग आप दो। और पीछे बैठ गए, ना ड्रेस चेंज की कुछ नहीं किया, बैठे रहे। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं छोड़ दूं वेस्टीज को, या दूसरा रास्ता ये था जो मैंने वाइफ को बोल रखा था, तेरे लिए कार खरीद दूंगा। मैंने अपने कुछ वादे किए थे अपने आप से, फैमिली से, मम्मी से, पापा से, जो रिश्तेदार थे उनको बोलता था कार खरीदूंगा, विदेश में घूम के आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो बातें बोल रखी थी सारी बातें घूम रही थी माइंड में, और माइंड ने कहा तू जा स्टेज पे, और मैं स्टेज पे पहुंचा। तो दोस्तों जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा, मैंने बोलना स्टार्ट किया, सारे पैर हिल रहे थे, हाथ हिल रहे थे, झटके मार मुर के नाम अपना बताया और मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको बता दूं, पहली बार मैंने 3 घंटे की ट्रेनिंग दी और कोई नहीं हंसा। तो वहां से एक मेरे को एक चीज मालूम हुई थी, वो चीज क्या थी? वो चीज थी आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं लोग आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। अगर आप अपने आप को मानते हैं बेचारा तो लोग आपको बेचारा मानेंगे, और सर बेचारा व्यक्ति कोई भी चैंपियन नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कहूं नरेंद्र मोदी जी बेचारे तो क्या है वो? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उस दिन अपना बेचारापन छोड़ दिया। आज जो लोग पहली बार मेरे को देख रहे हैं, अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो बेचारा बनना बंद कीजिए, चैंपियन बनिए, टाइगर बनिए। जब आप टाइगर बनेंगे तभी इतिहास रचेंगे। जैसे ही मैंने वो ट्रेनिंग रखी, ट्रेनिंग के बाद में मेरी जो टीम बोलती थी कि सर आप आओगे स्टेज पे तो हम भी आएंगे, आप नहीं आओगे तो हम कैसे आए। जैसा बाप होता है वैसे बच्चे होते हैं, जैसे अपलाइन होते हैं वैसे डाउनलाइन होते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण बताती थी पूरी टीम कि अगर आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी। बहुत बार मैं टीम को बोलता था भी तुम दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, जो कहोगे खिलाऊंगा, पर ट्रेनिंग तुम रखो, तुम्हें मालूम है मेरे को बोलने में दिक्कत। पर लोग बोलते थे सर मंकी सा मंकी डू, बंदर जैसा देखेगा वैसा करेगा, जैसे आप है सर हम वैसे ही। काम करना है जोर शोर से, और हमने जोर शोर से दोस्तों यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने रेगुलर ट्रेनिंग रखी, 30 के 30 दिन ट्रेनिंग। कहीं पे अटका तो मैंने फोकस किया माइंड के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, कि हम बस फोकस रखना है ड्रीम पे। और उसके बाद एक माइंड ने बात कही जो आपको भी बोलना चाहूंगा मैं। माइंड ने कहा यार तुम्हें देख के लोग हंसते ही हैं, रोते तो नहीं है, तुम्हारे अंदर ये गॉड ने पावर दी है
कि जब तुम बोलते हो तो बोलने में ही लोग खुश हो जाते, तो ये वीकनेस नहीं है। मैंने उसी दिन से इसको छोड़ दिया, और जिस दिन से मैंने माइंड हटाया दोस्तों, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 95% से 98% ये दिक्कत धीरे धीरे से खत्म होती रही, और इसका रिजल्ट हुआ मेरी पहली कार, जो मैंने पहले कार खरीदी अल्टो। अल्टो का कार मैंने 2.5 लाख रुपए की कार कैश में ली, यहां से फाइनेंस नहीं करवाया, और मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स उस टाइम पे मेरा पे आउट 50,000 होता था, एक साल में पे आउट हो गया 80,000, 90,000, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1.5 लाख पहुंच गया पे आउट। और 1.5 लाख पहुंचते मैंने ठीक 2 साल के बाद पोलो कार ली यहां से। जब मैंने पोलो कार ली, मेरी टीम को और विश्वास हुआ, मेरी फैमिली को भी विश्वास हुआ, रिश्तेदारों को विश्वास हुआ, और लोग टीम में आए, और मैंने और जोर शोर से काम करना स्टार्ट किया। और ठीक 2.5 साल के बाद मैंने डस्टर कार ली यहां से। उस टाइम पे मेरा जो पे आउट था 3 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका था। जब 3 लाख रुपए का पे आउट हुआ, मैंने SVC ट्रेनिंग रखना स्टार्ट किया, जो हमारे बिजनेस की जान होती है। आज से ठीक 4 साल पहले मैंने SVC को रखना स्टार्ट किया टीम में, और इम्प्रूवमेंट आई टीम में, कार अचीवर आए, ट्रेवल फंड अचीवर आए। और दोस्तों ये बढ़ते 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 मेरा हाईएस्ट पे आउट जो रहा है वेस्टीज में, वो 4,80,002 रुपए का रहा है। मेरे को टोटल वेस्टीज से आज 12 साल में 3,20,00,000 रुपए एक नंबर में, जिसको हम बोलते TDS ट्रेवल फंड देने के बाद आ चुके हैं। मैं ट्रेवल फंड की इसमें बात नहीं कर रहा, ट्रेवल फंड मैंने हटा रखा है, क्योंकि वो तो विदेश के टूर में इस्तेमाल होता है। मैंने दोस्तों यहां से 15 देशों के टूर किए वेस्टीज से। पहला टूर था स्टार क्रूज का, हमारा टूर था पहला ट्रिप, और पहले ट्रिप में जो हम जिस स्टार क्रूज में थे, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज था, जिसमें 5200 लोग थे पूरे विश्व के। वहां पे मैंने कसम खाई थी पहले ट्रिप पे, अगर वेस्टीज का कोई भी ट्रिप रहा तो मैं हमेशा ट्रिप में रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और उसके बाद मैं जितने भी टूर रहे, चाहे वो यूरोप का था या वो एशिया का ट्रिप था, हमेशा मैं टूर में रहा, और हमेशा मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और वहां पे कसम और खाई थी, अगली बार जब भी स्टार क्रूज का टूर रहेगा, मैं अपनी वाइफ को लेकर के जाऊंगा वहां पे। तो कुलदीप जी भी हमारे साथ थे, कुलदीप और मैम दोनों हमारे साथ थे, और अब की बार मैं और मेरी वाइफ दोनों स्टार क्रूज के टूर पे हम घूम के आए। मेरी वाइफ के साथ ये वेस्टीज से पहला ट्रिप था, वैसे मैं पहले भी गया हूं एक बार, वो मेरा अपना ट्रिप था, पर वेस्टीज के साथ हमारा पहला ट्रिप था। और अब जितने भी वेस्टीज के ट्रिप रहेंगे, चाहे वो यूरोप का हो, एशिया का हो, हम हमेशा हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, बिजनेस में भी साथ हैं और टूर पे भी साथ में रहेंगे। अब दोस्तों मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे आज भी मेरे को बिल्कुल साफ साफ याद है, जब मेरा पे आउट 80,000 रुपए था, वेस्टीज के एक टॉप रनर होते थे, मनोज कुमार नाम होता था उनका, उन्होंने अपनी अपनी MLM खोली खुद की, आज भी याद है अच्छे से। और वो सबसे पहले जींद में आए, और जींद में आके उन्होंने फोन किया कि सर अगर आप मेरे साथ ज्वाइन ना हुए तो आपकी टीम को मैं तोड़ दूंगा, आपकी टीम में काफी सारे स्टार हैं, डायमंड है, जिनको मैं जानता हूं, और मैं तोड़ दूंगा। और मैंने उनको कहा था, मनोज जी जीवन में ना मेरे दादा ने खेती की, पापा ने की, और मैंने वेस्टीज स्टार्ट की है। इस दुनिया में जब तक मैं रहूंगा ना, तो करूंगा MLM तो वेस्टीज। आपको टीम तोड़नी है तोड़ दो, कुछ भी करना है कर लो, आप जो आप में ताकत है वो कर लो। अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं अपनी टीम को अपने साथ रख लूंगा, अगर मेरे में क्वालिटी है तो टीम मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों एक भी व्यक्ति उसके साथ में जाके नहीं आया। और आज उस मनोज कुमार के विषय में शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, उसने एक MLM खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, अब चौथी फिर से खोल दी है उसने। और अगर आज वो वेस्टीज में होता फ्रेंड्स,
तो ज्यादा नहीं बोलता मैं आज, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होती उनके पास आज, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। और कोई ऑफिस नहीं खोलना था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन थी नहीं, आज दर दर भटक रहा है। तो इसके बीच में काफी बार पैसे के भी चैलेंज आए, काफी टीम भी गई छोड़ के, कई सारे डायमंड भी गए, कई बार स्टार भी गए। बहुत लोग पूछते थे जी वो क्यों गए, और मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता था, कोई भी उत्तर नहीं होता था। मैंने उनको एक ही बात कही, हो सकता है मेरे अंदर ही कोई वीकनेस थी और मैंने गलती मानी हमेशा अपनी, भाई मेरी वजह से ही शायद वो छोड़ के गए, शायद मैंने उतना प्यार उतनी एजुकेशन मैं नहीं दे पाया। और दोस्तों मैंने हमेशा इम्प्रूवमेंट किया फिर अपने आप को, और इम्प्रूवमेंट करता रहा। जो लोग गए थे उनमें से 95% लोग फिर से वापस आ चुके हैं, कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले, कोई 6 महीने पहले, और 3 लोग अभी आए हैं 1.5 महीना पहले लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि जिस बैनरिक कंपनी में वो काम कर रहे थे उनके पास कोई फैसिलिटी थी नहीं, एजुकेशन सिस्टम कुछ था नहीं। जैसे लॉकडाउन हुआ 2 लाख से पे आउट एकदम से 20,000 हुआ, और उनको मालूम हुआ अगर ये लॉकडाउन 1 साल रहा तो क्या हो जाएगा। और आज से ठीक 1.5 महीना पहले वो व्यक्ति ज्वाइन हुए, दोनों एक गोल्ड हो चुका है और एक स्टार हो चुका है। तो मैं आपको इसी वजह से, जो लोग पहली बार मेरे को देख रहे हैं, वेस्टीज का बिजनेस बहुत लोग बोलते हैं आसान है, मैं बोलता हूँ आसान नहीं है बिल्कुल भी। कहीं आप ये मान लो आसान है, अमीर बनना आसान नहीं हो सकता और गरीब बनना उससे भी मुश्किल है। अमीर बनना गरीब बनने से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि गरीब रह के आपको पूरे जीवन मेहनत करनी होगी और अमीर बनने के लिए मात्र 3 से 5 साल आपको मेहनत करनी होगी। अब मैं हल्का सा अभी अपने लाइफस्टाइल के विषय में बताता हूँ। आज कुलदीप जी ने एक ऐसी चीज आज पहली बार मैं टीम के सामने रखूंगा। अभी सर कुलदीप जी, मैंने 7 दिन पहले जींद में सर कोठी खरीदी है एक जी 62 लाख रुपए की सर, पार्क फेसिंग, और मेरे मेरी कोठी के सामने सर 250 कार रुक जाएंगी, इतना स्पेस है सर मेरे कोठी के सामने। जी सर। और ये जींद के सर सबसे पोस एरिया सेक्टर 11 में मैंने खरीदी है सर। जी सर। तो ये जो भी कुछ हो पाया ये वेस्टिज की वजह से हो पाया। आज हमारी फैमिली में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइफ के साथ में झगड़े होते थे, इसके ऊपर 5 मिनट का टॉपिक आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इससे रिलेट होके आप भी अपने घर के स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। वाइफ को दिक्कत थी मैं खेत में नहीं जाऊंगी, आज से 7 साल पहले मैंने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि वाइफ को खुश तो रखना था। वाइफ ने कहा जी मैं भैंसों का कोई काम नहीं करूंगी, मैंने भैंस बेच दी। इसके बाद वाइफ ने कहा जी मैं गांव में नहीं रहूंगी, तो सर आज से 4 साल पहले हम शहर में आ गए जी। अब वाइफ बोलती है जी घर भी हो गया, कार भी हो गई, सब हो गया, अब मेरे को और नहीं चाहिए। पर ये वेस्टीज मानती कहाँ है सर, वेस्टीज तो हर 2 साल के बाद कार, हर 2 साल के बाद ढेर सारी दौलत, और लॉकडाउन के टाइम पे भी सर मेरे को टोटल 9 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हुई है 3 महीने के अंदर अंदर। बिजनेस जरूर डाउन हुआ है सर, यहाँ पे जो मेरा पे आउट रेगुलर 4.25 के आसपास में था, अभी 3 के नियर अबाउट पे आउट है। अभी इस महीने से ये पे आउट डबल के आसपास हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से टीम ने भी काम किया और लॉकडाउन में जो एजुकेशन ली है वो लॉकडाउन खुलने के बाद अभी वो काम आएगा। जी, आज टीम में 120 कार अचीवर हैं। और दूसरी खुशी की बात मैं बता दूं, आज मेरी एक डाउनलाइन है डॉक्टर मोरारी लाल कौशिक जी, आज उनकी कोठी का उद्घाटन था, आज उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सर कोठी बना के तैयार किए, 1 साल में तैयार हुई है। एक सर मेरे दूसरे डाउनलाइन है हयात खान जी, जिनकी एज ही 24 साल है, आज से 4 साल पहले वेस्टिज में आए, और हयात खान जी ने सर 1 करोड़ की कोठी तैयार की है, उनका भी सर अभी 2 से 3 दिन में उद्घाटन है कोठी का। और हयात खान जी की शादी अप्रैल में थी, वो पोस्टपोन्ड हुई, हेलीकॉप्टर बुक किया हुआ था उन्होंने,
आरके जी मेरी एक डाउनलाइन है, आरके सिंह जी, जिन्होंने भी पिछले महीने लॉकडाउन में रहते रहते 55 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा सीएचडी सिटी करनाल में। इसी टाइप से 3 डाउनलाइन के पास एक शानदार घर, एक शानदार कार और 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। आज एंटायर टीम में 1 लाख रुपए की इनकम पे 11 लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है फ्रेंड्स। तो आज पूरे 12 साल हो चुके हैं, मैंने 3 साल पार्ट टाइम किया वेस्टीज को, 9 साल से मैं फुल टाइम हूँ। और दोस्तों जिस दिन से मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, कभी मैंने पैसे की तंगी मेरे घर में मैंने महसूस नहीं की। आज बेटा जो है एक शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बेटी ने प्लस टू की है, अभी ये भी कहीं ना कहीं अच्छे कोर्स में जाएगी। तो आज जीवन बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है। और जितने लोग भी आज देख रहे हैं, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने वेस्टीज में 2 से 3 साल पेशेंस के साथ, एजुकेशन के साथ और LOS अपलाइन की गाइडलाइन में काम किया, तो मैं एक व्यक्ति को हमेशा मानता हूं और मेरे इष्ट देवता है हनुमान जी। हनुमान जी और राम जी का जो कम्युनिकेशन था इतना गजब का था, ऐसे ही मैं अपलाइन के साथ हमेशा रखा। अपलाइन ने कहा ये गलत काम है, मैं ये नहीं पूछता था ये गलत क्यों है। जैसे हनुमान जी बोलते थे जय सियाराम, मैं बोलता था जी सर, ओके सर, थैंक यू। उसी काम को मान के मैंने काम स्टार्ट किया। अपलाइन ने ही बताया गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। मैंने कभी भी ये नहीं पूछा सर ये गलत क्यों है, ये ठीक क्यों। आज भी ऐसा ही हूं मैं। मैंने कार खरीदी उससे पहले अपलाइन से बात की, मैंने कोठी खरीदी उससे पहले बात की, क्या चीजें ध्यान रखनी वो बात की, जैसा अपलाइन ने बता दिया उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से मैंने कोई बात नहीं किया आज तक। तो दोस्तों अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो एक व्यक्ति को जीवन में कोच मान लो, और उसको कोच मानने के बाद फिर कोई किंतु परंतु फिर कुछ नहीं, फिर 100% अपना अपने लाइफ की बागडोर आपके कोच के, आपके अपलाइन के हाथ में दो। और मेरा ये वादा है आपसे, मैंने जो 12 साल में किया है ना दोस्त, वो आपका 3 साल में हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि जब हमने किया ना, पूरे हरियाणा में कोई स्टोर नहीं होता था। अगर मेरे को एक बोतल भी खरीदनी है तो दिल्ली ऑफिस में आके ही खरीदारी होती थी उसकी। अगर मेरे को ट्रेनिंग रखवानी है तो आज बोल दिया तो 3 महीने के बाद मेरे अप्लाई टाइम दे पाते थे। और ये वीकनेस थी नहीं उनकी, ये पावर थी, क्योंकि उनका बिजनेस पूरे इंडिया में था। आज आपके अपलाइन के पास बहुत ट्रेनिंग है, यूट्यूब पे ट्रेनिंग है, उदाहरण आपके पास है। उस टाइम पे कोई ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का कोई उदाहरण नहीं होता था, 1 लाख रुपए का कोई उदाहरण नहीं होता था, हरियाणा में तो था ही नहीं कोई भी उदाहरण। और उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, इन बाइनरी प्लान की वजह से नेगेटिविटी इतनी फैली हुई थी। पर दोस्तों मैंने तो कभी नेटवर्कर के साथ काम ही नहीं किया स्टार्टिंग से। मेरे टीम में जितने भी लोग हैं टोटली फ्रेशर हैं, उनके साथ हमने बिल्ड किया, उन्हीं को ट्रेंड किया। कुछ लोगों के पास हेल्थ की एजुकेशन थी हमने ली, कुछ को हमने प्लान की दी, एग्री की दी। और आज उसका रिजल्ट है कि मेरी एंटायर टीम में 1,35,000 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। आज बिहार देख लो, झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में 3 स्टेटों को छोड़ करके हर स्टेट में टीम है, गजब के लोग हैं वहां पे। और पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूँ ट्रेनिंग रखने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग होती है। और आज कुलदीप जी ने जो टाइम ये दिए रखवाया है, मैं कुलदीप जी का थैंक यू बोलना चाहूंगा। कुलदीप जी आपको भी बहुत ही सर, आपने जो प्यार दिया, 1,000 लोग आए हुए देखने के लिए, थैंक यू सो मच सर। सब आप कोई भी बात करना चाहते हैं कुलदीप जी तो सर, आप जी सर, सर सर थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए सर, आपने इतना कीमती समय दिया। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोचे थे कि बाद में मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, लेकिन आपने सर जो इतने बेहतरीन तरीके से बताया है आपने अपनी स्टोरी के अंदर, शायद मेरे सारे क्वेश्चनों के आपने आंसर दे दिए। और जो लोग आपसे क्वेश्चन करना चाहते थे उनके भी आंसर आपने अपनी स्टोरी के अंदर, अपनी बातों के अंदर दे दिए। वाकई सर अमेजिंग सर। हालांकि आज मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है,
कैसे सर एक फरिश्ता आया, एक इंसान खेत पे है और एक फरिश्ता आया और उसका फोन नंबर आपने अपने 12 पे लिख लिया, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कोठड़ा किसको बोल रहे हैं। दोस्तों गांव के अंदर जो खेत में 12 होती है आप जो देखते हैं वो एक सिंगल रूम बना हुआ, सर उसकी बात कर रहे थे जी। वो हमारे खेत में सर घर होता है ये मान लो जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, किसानों का एक तरीके से खेत पे घर होता है। जब कई बार पानी वगैरह देने जाते हैं रात को वहीं रहते हैं, उसी पे सोते हैं ऊपर खाट बिछा के। हाँ जी बिल्कुल सर। और सर आज भी सर एग्रीकल्चर पे सर कैसा काम है, सर एग्रीकल्चर पे कितने परसेंट काम कर रहे होंगे आप आज भी? सर एग्रीकल्चर पे अभी हमारा जो काम है सर 35% काम हमारा एग्रीकल्चर पे अभी है इस टाइम पे। अभी धान की खेती है सर इस टाइम पे, गेहूं की है नहीं इसकी, गन्ने की और धान की है। तो सर मैं आपको धान के लिए एक डोज बोलना चाहूंगा, जो लोग पहली बार आए हैं वो कुछ ना कुछ पूछना चाहते होंगे, मैं ही बता देता हूँ जी। सर। धान की खेती में अभी अगर आप कोई चीज डालना चाहते हैं तो हमें तीन टाइप के खाद हम धान में डालते हैं। सबसे पहले डालते हैं DAP और दो बार हम डालते हैं सर यूरिया खाद या और कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो जहां पे आपको 50 किलो या 45 किलो खाद डालना है वहां पे 30 किलो DAP में 200 ग्राम तो हम डाल दें Agri-82, 5 किलो की थैली हम डाल दें ह्यूमिक एसिड की और 250 ग्राम डाल दें सर बायोफंगिसाइड जी, जो हमारा प्रोटेक्ट के नाम से आता है, वो बायोफंगिसाइड है सर हमारे जी, पास। हाँ, अब उसको प्रोटेक्ट के नाम से कर दिया जी। अगर ये तीन चीज अभी आप बिजाई के 5 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर डाल दें तो आपके खेत में मात्र 30 दिन के जब आपकी फसल हो जाएगी उस टाइम पे फुटाव में, बढ़ोतरी में, ग्रोथ में। और एक धान में एक दिक्कत आती है सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए आपने प्योद बीज दी तो आपकी 30% प्योद जो है कुलदीप जी वो खत्म हो होती है, खत्म हो जाती है सर, गल जाती है हमारी, गल जाएगी प्योद। अगर आपने बायोफंगिसाइड यानी प्रोटेक्ट का इस्तेमाल किया है तो सर 2% से 3% प्योद खत्म होगी, 98% प्योद हमारी एक्टिव हो जाएगी पहले 7 दिन के अंदर अंदर जी। तो ये सर फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद बायोफंगिसाइड डालने से 40 दिन तक आपके खेत में कोई भी फंगस का रोग नहीं आएगा जी। किसी भी टाइप का। और मैं आपको बोलना चाहूंगा धान की बिजाई के टाइम पे ही बायोफंगिसाइड को डालते हैं तो 250 ग्राम में वो रिजल्ट आएगा जो शायद आगे जाके 500 ग्राम में भी नहीं आएगा वो रिजल्ट। अभी अगर आपने पौधे की जड़ों को इम्यूनिटी पावर दे दी तो गजब की फुटाव होती है और हमारा जो पौधा होता है उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं रहेगा किसी भी टाइप का। और बायोफंगिसाइड के मैंने खुद अपने खेत में, अपने गांव में बहुत सारे फार्मर को, 100 से ज्यादा फार्मर हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट बात होती है, उनको मैंने पिछले साल भी दिया है इस्तेमाल में, 100% रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं है किसी भी टाइप का। इसके बाद में जो हमारा ह्यूमिक एसिड है 5 किलो ह्यूमिक एसिड है, एक बार तो डाल दो अभी और एक बार डाल दो जब हमारी धान में दाना बनना चालू हो जाए, जिसको हम हरियाणा में गाबे के टाइम पे बोलते हैं, जब हमारी धान में चावल बनना चालू हो जाए 5 किलो की थैली फिर डाल दो एक बार आप। मेरा अपना ये रिजल्ट है 3 क्विंटल से 4 क्विंटल धान एक्स्ट्रा हो जाएगा एक एकड़ में, चाहे स्टेट हमारा कोई भी हो, हर स्टेट में ये रिजल्ट है, हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हिमाचल में, हर जगह टीम को मैंने ये डोज बताया और गजब के रिजल्ट। इसके बाद इसको 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ह्यूमिक एसिड को डालिए एक बार अभी, एक बार डालिए गाबे के टाइम पे, Agri-82 को डालिए 3 बार खाद में, एक बार तो डाल दिया DAP में और 2 बार 200-200 ग्राम डालिए यूरिया खाद में, जहां पे 45 किलो खाद डालते थे वहां 35 किलो खाद आप डाल दो जी। और कोई कोई चीज हमें धान में डालने की जरूरत नहीं है। अगर वेजिटेबल का काम है तो एग्री गोल्ड और नैनोटेक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारी फसल 30 दिन से ज्यादा की हो जाए,
अगर 30 दिन से पहले डालना चाहते हैं तो फिर डालिए 5 किलो की थैली ह्यूमिक एसिड एग्री 82 और जो भी खाद आप डालते हैं उसमें, उस खाद में। स्प्रे का हमें इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हमारे पौधे के ऊपर कम से कम 30 से ज्यादा पत्ते आ जाएं, 30 से ज्यादा, और वो 30 दिन 35 दिन से पहले नहीं आते। अगर आप छोटे पौधे के ऊपर एग्रीगोल्ड का या नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं तो वो उतने रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती पावर को खींचने की। जब आप 30 दिन से 35 दिन के बाद देंगे तो फूल अच्छे आएंगे, फुटाव जबरदस्त रहेगा और फ्रूट का साइज बहुत अच्छा रहेगा। और आज इस्तेमाल किया तो 15 दिन में हमें उसको रिपीट करना चाहिए फिर से, जो भी डोज हमने वेजिटेबल में या फ्रूट की फसल में दिया है जी। तो ये कुलदीप जी मैंने आपके जी सामने रखा। इसके बाद और कोई चीज पूछना? नहीं सर, आपने बहुत सही समय पे आपने ये बात बताई। आपने अभी धान की खेती लग रही है, स्टार्ट हो रही है, शायद बहुत लोगों को बेनिफिट होएगा और लोग यूज कर रहे हैं। आज सर बड़ी खुशी होती है सर कि आज अपना बिजनेस हर किसी के लिए है। अभी किसान भाई गांव में रह के कर सकते हैं, आज 6 से 7 प्रोडक्ट हैं। मुझे लगता है आज की डेट में अगर इस पे किसान मास्टरी कर लेना, अगर अच्छे से सीख ले इस प्रोडक्ट को, शायद उनको सिटी में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गांव गांव के अंदर रह के वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। कुलदीप जी, किसान भाई हमारे बीच में अगर कोई है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा उनको। जी जी दोस्तों, आज भी याद है जब मैं आड़ती के पास गया था एक बार, 5,000 रुपए के लिए मेरे को पूरे दिन बैठा के रखा था उस आड़ती ने, 5,000 रुपए के लिए। और उस दिन मैंने ठानी थी एक बात कि यार जब दिन रात काम करने के बाद भी, 5 साल 10 साल हो गए काम करने के बाद भी, हमें 5,000 रुपए मांगने के लिए पूरे दिन आड़ती के पास बैठना होता है, तो ऐसे काम का कोई फायदा नहीं है। मैं इस काम को जरूर छोड़ दूंगा, जैसे ही कोई काम आएगा मैं उसमें तन मन धन से मेहनत करूंगा, पर मेरे को खेती का काम छोड़ना है। और मैंने 3 साल खेती के साथ किया और जो मैं चाहता था मैंने खेती करना छोड़ दिया। तो आप लोग, जितने भी लोग आज खेती करने वाले लोग हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा खेती का काम छोटा है, पर खेती के काम में आप अपनी फैमिली को वो नहीं दे सकते जो आपकी फैमिली सोचती है। आपके बच्चों को आप उस जॉब में, उस कोर्स में, उस जगह पे नहीं भेज पाओगे जहां पे वो लोग जाना चाहते हैं। तो आप अपनी खेती के साथ में वेस्टीज में दोस्तों काम करना चालू कर दीजिए अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि किसान को मेहनत करने की आदत बहुत होती है। अगर मैं इसमें कामयाब हो पाया तो एक वजह यह भी थी कि मैं मेहनती बहुत हूं पहले दिन से, क्योंकि काम करने की हमें आदत होती है। और वेस्टिज में मेहनत करने वाला कोई भी आदमी है और उसके साथ थोड़ी सी एजुकेशन ऐड हो जाए तो आप 6 महीने से 1 साल में 1 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पे आप जा सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस है ये, ना इसमें इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रिस्क है, ना कोई उधार है। और आज पूरे हिंदुस्तान में स्टोर है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग होती है जी, बिल्कुल। तो आप वहां पे आके कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, और अब तो कंपनी ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना मैक ड्राइव जी, जी। वो उसको लेके इतने एक्साइटेड हैं लोग, शायद अब तो अगर बाइक मैकेनिक को समझा दिया जाए उसके बारे में तो वो तो मुझे लग रहा है बाइक के सुधारते सुधारते क्राउन डायरेक्टर कर जाएगा सर 4 महीने में। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ब्रदर सर, मैंने ओडी में इस्तेमाल किया है सर, पहले तो उसका फायदा बता देता हूं मैं आपको जी। ओडी में इस्तेमाल करने के बाद सर, ओडी में वैसे तो इंजन पहले से स्ट्रोंग है, पिकअप जबरदस्त है, और मैं जो उसके उसके ऊपर मैंने महसूस किया, 2 दिन पहले मैंने इस्तेमाल किया है उसका, उसको डालने के बाद सर ओडी का पिकअप जो है ना इतना गजब का हो चुका है, मैंने सोच भी नहीं रखा था कि इतने रिजल्ट होंगे जी। इसके बाद जो आवाज है सर, इंजन की जो आवाज है, वैसे तो पहले भी नहीं है, पर अब कोई मतलब ये ही नहीं बता सकता कि कार आपकी स्टार्ट है इसको डालने के बाद से। और जैसा कि इसका फायदा बताया कि अगर आपकी गाड़ी 3 लाख किलोमीटर जाएगी तो 1 लाख किलोमीटर आपके इंजन की लाइफ और ज्यादा हो जाएगी। यस, तो ये कितना गजब का है सर, और इससे ऊपर बेहतरीन है सर, हमारी गाड़ी धुआं नहीं देगी, पोल्यूशन भी तो बचाना है सर। पोल्यूशन अगर हम
अगर आज हिंदुस्तान के सारे लोग अपनी गाड़ी में नैनो एनर्जाइजर को डाल ले तो धुआं आएगा ही नहीं, धुआं नहीं आएगा तो सर हमारा वातावरण साफ रहेगा जी। मैं मानता हूं हर आदमी को पेड़ उगाने चाहिए, नहीं उगा पाते हम शहर में रहते हैं, पर अपनी बाइक में कार में नैनो एनर्जाइजर तो डाला जा सकता है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने नैनो एनर्जाइजर को अपनी बाइक और कार में डाल दिया दोस्त, तो ये मान लो आपने 5 पेड़ लगा दिए। अब आपके हाथ में है, आप अपने बच्चों को पोल्यूशन में रखना चाहते हैं या अपने बच्चों को एक अच्छी ऑक्सीजन या अच्छी श्वास आप देना चाहते हैं। इसके बाद जब आप इसको डालेंगे, इसके रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को भी बताएंगे तो आपके घर में दौलत भी आएगी इससे। जी जी तो जी सर बहुत बेहतरीन हो जाएगा कुलदीप जी से, बहुत ही जबरदस्त सर। बिल्कुल सर, वाकई सर, वाकई आज प्राउड है सर, हमारा मैनेजमेंट इतना विजनरी है, वो चीजें कंपनी हमारे लिए लेके आ रही है जो फ्यूचर में चलनी है। तो सर आज शायद बिजनेस, वाकई सर आपने वो सही बोला कि पहले इतने प्रोडक्ट नहीं थे, ऑफिस बहुत दूर थे, आप तो हरियाणा से दिल्ली आते थे प्रोडक्ट लेने के लिए। अभी कई लोग आते हैं बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, सर कहते हैं सर DLCP दूर है, 20 किलोमीटर दूर कैसे जाऊं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, जिनके ड्रीम में जान नहीं होती उनकी बॉडी में भी जान नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, कुलदीप जी ने एक बीज डाल दिया है, गुजरात में एक एरिया पड़ता है कच्छभुज जी, कच्छभुज है सर, दिल्ली से एक ही ट्रेन जाती है एक दिन छोड़ के, वहां पे ऑफिस से 20 पेटी एग्री बीएससी की मैं उठाता था रिक्शा में, स्टेशन पे आता था, टिट्टी से सेटिंग करने के बाद 20 पेटी ट्रेन में रखवाता था और 3 दिन वो गाड़ी जो है 2 रात और 2 दिन चल के कच्छ भुज पहुंचती थी। वहां पे एक बंदा था जिसको ट्रैक्टर और ट्रेली से बोलता था और सारी 20 पेटी रखवा के ट्रैक्टर ट्रेली में 150 किलोमीटर हम जाते थे ट्रैक्टर ट्रेली से। आप ये बताइए 150 किलोमीटर जाते थे और फिर 7 दिन रह के मैं उस एग्री बीएससी को वहां मैन टू मैन पहुंचाता था, तभी तो सर आज 5 लाख रुपए का पे आउट है, तभी तो ओडी कार है, तभी सर? तो 5-star होटल में रुक पाए, तभी तो स्विट्जरलैंड पेरिस देख पाए जी, तभी सर। तो सर बच्चों के वाइफ के ड्रीम अचीव हो पाए। बिल्कुल सर। और आज भी कोई दिक्कत नहीं है कुलदीप जी, आज भी समस्या नहीं है। कल की एक बात मैं बताता हूँ आपको, रात का टाइम हो गया, मैं कल पानीपत ऑफिस में था, एग्री 82 का ट्रक पहुंचा वहां पे, राम राव जी ने कहा कि जी आज तो ये ट्रक नहीं उतर पाएगा, लेबर नहीं है हमारे पास। और मेरे पास सर 6.5 लाख रुपए का फूमिक एसिड का ऑर्डर था सर, मैंने 1.5 घंटे के अंदर अंदर 6.5 लाख रुपए की फूमिक एसिड अपने कंधे से मैंने अपनी जो व्हीकल हमने किया हुआ था उसमें मैंने रख दी 1.5 घंटे के अंदर अंदर। सर हम वेट करने वाले लोग नहीं है सर जी, और इसे कहेंगे सर जमीन से जुड़े हुए हैं सर, सबसे बड़ी बात है ये है कि कल्चर है। जी जी, तो जी। जो लोग सर मेरे को देख रहे हैं मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, दोस्त आपको ये साबित करके दिखाना होगा कि मेहनत से, एजुकेशन से और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आ सकता है। आपकी टीम के लोग आपको फॉलो करेंगे, अगर आज मैं फील्ड में रहता हूँ 10-10 दिन 15-15 दिन तो मेरा बेटा मेरी बेटी को मालूम है कामयाबी के लिए क्या चाहिए, उनको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो 10-10 दिन 15-15 दिन वो भी बाहर रहेंगे, मेरी टीम भी बाहर रहेगी, मेरी टीम को सारी टीम ज्यादातर अचीवरों को मालूम है ट्रेन में जाते थे हम सामान खरीदने के लिए और 1-1 लाख रुपए का सामान हम अपने गांव से, मेरे गांव से स्टेशन जो है ना सर 20 किलोमीटर दूर है वहां उतारते थे और कई बार तो पैदल ही आते थे सर वहां से रात को। बिल्कुल सर, तो ये जीवन में चैलेंज कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि ड्रीम सामने होता है ना सर, ड्रीम यहाँ पे था, देख लिया था कि अब 2 लाख रुपए की इनकम आएगी और जल्द आएगी, उसके लिए फिर मेहनत की और काम किया और मेरे को आज महसूस होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये फील होता है सर बहुत बार। ये तो सर,
खेत में भी तो हमने काम तो किया है सर, खेत में मेहनत नहीं की, वहां तो नहीं हुआ आज तक। सही बात। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, बहाने छोड़िए, कामयाबी के लिए रास्ते ढूंढिए। आपके पास वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके, मैं बहुत लोग बोलते हैं जी पैसा आएगा, मैं बोलता हूँ जी जनरेशन चेंज हो जाएगी। जनरेशन ओडी के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सोच रखा था फ्रेंड्स। वेस्टिज ने ड्रीम दिया, वेस्टिज ने पावर दी, कभी सोच नहीं रखा था हम ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे, रसिया जाएंगे, कभी जीवन में नहीं सोच रखा था। मेरे पूरे जींद में 3 ओडी कार है जिनमें से एक मेरे पास है पूरे जींद में। और अगला जो ड्रीम है कुलदीप जी, जींद में 10 कोठी है सर जो 1000 गज की है। अगले 3 साल में सर उन 10 में से एक कोठी मेरे पास आएगी और एक कोठी वाला सर बेच के जाएगा उसको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी ड्रीम है कि टॉप 10 में पहुंचना है बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% पहुंचेंगे सर, प्लेटफॉर्म अपने साथ है सर, वेस्टिज हमारे साथ है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नहीं लगता शायद कोई क्वेश्चन बचा है कोई। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने आज जो अपनी बात रखी और जो आपने जो सर क्वेश्चंस के आंसर दिए, वाकई सर अमेजिंग, सर अमेजिंग। आज शायद बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक चीज का निचोड़ निकलता है आपकी बातों से कि ये बिजनेस दोस्तों विजनरी लोगों का बिजनेस है, जब सपने बड़े होते हैं तो शायद सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं। और एक चीज और, जब हम अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं, शायद ढांडा सर से बड़ा उदाहरण इसमें कुछ नहीं है। जब अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं तो जरूर सर सफलता जरूर मिलती है। और जिस चीज से हमें डर लगता है ना, सबसे पहले हमें वही चीज करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय।